नजीब जंग ने इस्तीफा दिया है, इसे लेकर कांग्रेस की कमान अजय माकन के हाथ में, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चलते हैं। वो जगह थे जहां पर कि भाजपा का कब्जा पिछले कॉर्पोरेशन था, तो क्या नजीब जंग साहब को इस कॉर्पोरेशन के बाय इलेक्शंस के अंदर भाजपा तीसरे नंबर पर जो आई है उसकी सजा दी गई है, जहां पर भाजपा पूरी के पूरे इन 13 में से 11 सीटों के ऊपर भाजपा जीती थी इससे पहले चुनाव के अंदर, इस चीज की भी के बारे में भी जानकारी हम लोगों को दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अनसेरेमोनियस एग्जिट के पीछे क्या कारण है यह केंद्र सरकार को बताना पड़ेगा। लेट मी टेल यू, आई टेक्स्ट मिस्टर जंग एंड आई डिडंट गेट एनी रिप्लाई। आई पर्सनली आई वांटेड टू नो व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड, बिकॉज एज आई सेड दैट टुमारो एट 11 वी हैड अ मीटिंग विच वॉज टेंटेटिवली प्लान्ड एट मिस्टर जंग्स हाउस एट एलजी हाउस वेयर वी वर सपोज टू गो एंड मीट हिम इन अ डेलीगेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स। एंड द सेकेंड थिंग इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड कम आउट क्लियरली वाई मिस्टर जंग हैज बीन अनसेरेमोनियसली रिमूव। लास्ट फोर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स मिस्टर विजय कपूर कंटिन्यूड फ्रॉम 1998 टू 2004, देन मिस्टर बीएल जोशी केम फॉर 3 ईयर्स, देन ही वॉज। तो यहां पर अजय माकन ने कहा कि अनसेरेमोनियसली रिमूव किया गया, यानी कि नजीब जंग के ऊपर दबाव बढ़ाया गया और नजीब जंग को हटाया गया है। एक बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है दिल्ली के उपराज्यपाल।